गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 27 सितंबर। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं सोलो राइड पे जा रहा हूँ। इतने दिन तो मैं ग्रुप राइड ही कर रहा था बहुत से, मतलब लास्ट मेरे 10-15 राइड्स सारे ग्रुप राइड्स रहे, लेकिन सोचा चलो आज सोलो राइड ही करते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से की नहीं थी और पेंडिंग थी। तो आज मैं जा रहा हूँ वारसगाँव डैम, ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन चलता है, सोलो राइड के लिए अच्छा है एक डेस्टिनेशन, पहली बार जा रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है, कैसी है जगह। अभी तो कितने बजे, 8 बज गए यार, सोलो राइड के लिए भी लेट हो गया हूँ मैं आज। चलो चलते हैं, फिर भी 19 किलोमीटर तो हो गया घर से यहाँ तक, 70-80 किलोमीटर दूरी है शायद मेरे घर से वो, तो चलो देखते हैं और क्या होता है संडे राइड। वैसे एक और बात, तो मैंने अभी कल एक बैग ऑर्डर किया है, हाइड्रेशन बैग, उसका भी मैं वीडियो डाल दूंगा। मैं डिकैथलॉन भी गया था उसके लिए, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे और महंगा भी था, तो मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया। कौन सा ऑर्डर किया ये मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, अभी तक तो आया नहीं है, कल या परसों डिलीवर हो जाएगा। और मेरे अगले लॉन्ग राइड्स के लिए मुझे टेल बैग और टैंक बैग दोनों लेने, तो उसके लिए मुझे सजेशंस चाहिए कि मेरे बाइक पे कौन से नॉन मैग्नेटिक टैंक बैग्स और टैंक बैग अच्छा रहेगा। तो अभी तक तो मैंने सोचा नहीं है, लेकिन चाहिए क्योंकि मेरी नेक्स्ट मंथ रहेगी लॉन्ग राइड्स, नेक्स्ट मंथ से मैं चालू कर रहा हूँ लॉन्ग राइड्स पे जाना, तो इसलिए मुझे तब तो ज़रूरत पड़ेगी ही। तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो मुझे कि मैं कौन से बैग्स चूज़ करूँ या फिर क्या, क्योंकि अभी तक तो मैंने शॉर्ट लिस्ट की है नहीं है, देखते। और टेल बैग लूँ या सैडल बैग लूँ वो भी एक कन्फ्यूजन है। मोस्टली तो मैं टेल बैग ही ऑप्ट आउट करूँगा, क्योंकि ऑप्शन करूँगा क्योंकि दैट विल बी मोर कम्फर्टेबल, पर देखते अभी तक तो डिसाइडेड है नहीं, पहले टैंक बैग ही लेंगे क्योंकि उसकी तो ज़रूरत है पड़ेगी मुझे। यार रोड तो बहुत प्यारा हो गया है यहाँ का, मानसून का मुझे यही अच्छा लगता है, रोड्स बहुत ही अच्छे, मतलब ग्रीनरी वगैरह बहुत ही हो जाती है, तो मज़ा आ जाता है ऐसे रोड्स पे चलाना। लेकिन दो तीन इस हफ्ते, एक हफ्ता हो गया बारिश ज़्यादा हो नहीं रही है, तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है अब। लेकिन फिर भी नज़ारा देखिए क्या है, खूबसूरत नज़ारा। वाह, चलो पानी का ब्रेक, तो पानी पी लेते, प्यास लगी है। हाइड्रेट रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है राइड्स पे, इसलिए मैंने एक हाइड्रेशन बैग अब ऑर्डर किया है, देखते हैं अब दो दिन में तो आ जाएगा हाइड्रेशन बैग प्लस ब्लैडर, क्योंकि ये कैरी करना बहुत ही बल्की है, मैं सिर्फ पानी के लिए इतना बड़ा कैरी करना पड़ता है, और मेरे कुछ गोप्रो के एक्सेसरीज है, बाकी कुछ है नहीं वैसे। वाओ लोकेशन दे रखी है, क्या नज़ारा दिख रहा है,
वेल गाइस लवासा तो बंद है तो इसलिए आगे तो नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे रोड पे बहुत मज़ा है, बहुत सही रोड था यहाँ पे। देखिए 900 XR है, ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्विन और वर्सिस कावासाकी। वाह, इसमें से मुझे सबसे ज़्यादा पसंद तो XR ही आई, लेकिन ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्विन यार वो भी क्या सही लग रही है। तो चलो फिर से देख जाते, एंजॉयिंग द रोड। लवासा बंद है लेकिन आप फिर भी आ सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही मतलब रोड बहुत ही सही है। चलो ऊपर का व्यू देखते हैं क्या है। अब इतने दूर आए गए तो यहाँ पे जाने के लिए भी है रोड। चलो थोड़ा ऑफ रोड भी कर देते, क्या फ्रंट तो है। वाह, गज़ब। गज़ब कभी मिला यहाँ पे। सो गाइस, सोलो राइड का ये फायदा होता है, आपको ऐसी जगह एक्सप्लोर करने के लिए मिलती है। ये जगह का नाम तो नहीं पता, लेकिन लवासा के पहले ही एक है, ऑफ रोड है पूरा, मैंने जैसा दिखाया वैसे देख सकते हैं। अगर आपको मिली तो अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हो। चलो आज के संडे राइड तो ख़त्म हो गई, आज के हुए 145 किलोमीटर्स, अच्छा था संडे राइड के लिए। वैसे लवासा तो अभी भी बंद है, बाइक की हालत फिर से वॉश करनी पड़ेगी अब। ओम नमः शिवाय। वैसे लवासा तो बंद है लेकिन ऑफ रोड पैच मैंने बहुत देखे, पिक्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, उसके कोई दिक्कत नहीं है हो। लेकिन बारिश होती तो बहुत मज़ा आता, बारिश तो थी नहीं इसलिए सबसे ज़्यादा गर्मी है उस एरिया में।
तो चलो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।